भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा के सामने धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। चूंकि आप लोगों को सुनने को देखने को पढ़ने को मिलता होगा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान की प्रतियां 9 अगस्त को लोकसभा के जंतर मंतर पर जलाया गया और संविधान मुर्दाबाद का नारा लगाया गया। डॉक्टर अम्बेडकर जी का मुर्दाबाद का नारा लगाया गया। आरक्षण मांगने वालों को जूता मारो सालों को ये कह करके पूरे देश के बहुजन समाज के लोगों का अपमान किया गया। ऐसी स्थिति में अब तक तो हम लोग इंतजार कर रहे थे कि सरकार चेतेगी, जागेगी और जिन लोगों ने संविधान का अपमान किया है उसके खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज करेगी और उनको जेल में भेजेगी, उनकी नागरिकता समाप्त करेगी। लेकिन क्या सरकार इंतजार कर रही है कि जब जनता आंदोलित होगी तब वो मुकदमा लिखेंगे, तब उनकी गिरफ्तारियां होंगी? इसलिए मैं सरकार से आज के तारीख में धरना प्रदर्शन में बैठकर मैं मांग कर रही हूं कि जिन लोगों ने संविधान की प्रतियां जलाई हैं उनके खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज हो और उनके खिलाफ SC ST का मुकदमा दर्ज हो और उनको जेल के सलाखों जेल में भेजा जाए और उनकी नागरिकता समाप्त की जाए और उनके परिवार के लोगों का भारत के संविधान के तहत दी जाने वाली सुविधा से वंचित किया जाए और उनको भारत से निकाल दिया जाए। यदि भारत में रहना है तो संविधान संविधान कहना हो, अगर भारत में रहना है तो डॉक्टर अम्बेडकर अम्बेडकर कहना होगा। इसलिए मैं मांग करना चाहती हूं सरकार से कि तत्काल प्रभाव से पूरे देश में बहुजन समाज के लोगों को आहत करने का काम किया जा रहा है, बाबा साहब की प्रतिमाएं तोड़ी जा रही हैं, बाबा साहब का अपमान किया जा रहा है, 34 लड़कियों के साथ बलात्कार किया जा रहा है, देवरिया में 24 लड़कियों के साथ बलात्कार किया जा रहा है। ऐसे पूरे भारत में हर घंटों पर बहुजन समाज की बहन बेटियों के साथ लगातार शोषण हो रहा है। सरकार क्यों नहीं जाग रही है, क्यों नहीं उन पर अंकुश लगा रही है? कौन है वो अत्याचार करने वाले लोग? वही लोग हैं जो संविधान को नहीं देखना चाहते, वही अत्याचार करते हैं, उस पर सरकार अंकुश नहीं लगा रही है। इसलिए सभी विषयों पर सरकार से मांग करने के लिए मैं बैठी हूँ। आप अम्बेडकर साहब का नाम ले रहे हैं जबकि संविधान सभा का संविधान जो बना था उसका निर्माण संविधान सभा ने किया था और उसमें बहुत से लोग थे, राजेंद्र प्रसाद भी थे, आप उनको लेकर साथ में क्यों नहीं चल रहे? मैं तो कहती हूँ संविधान में संविधान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी संविधान सभा के अध्यक्ष थे और जो 6 लोगों की राय लेनी थी उसमें बहुत लोग कतरा गए थे, कोई बीमारी का बहाना, कोई बाहर जाने का बहाना करके कतरा गए थे। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी बड़ी वफादारी, ईमानदारी, लगन और त्याग के साथ 2 साल 11 महीना 18 दिन का समय लगाकर दवा खा खा करके संविधान को लिखा और दुनिया के संविधान का अध्ययन करके संविधान को बाबा साहब ने लिखा। इसलिए बाबा साहब का बनाया गया भारत का संविधान आज तक लागू क्यों नहीं किया जा रहा है? संविधान का ढांचा लागू हुआ लेकिन संविधान आज तक पूरी तरीके से दिए गए कानून आज तक लागू नहीं किया गया। दुनिया के संविधान से सबसे बढ़िया संविधान भारत का संविधान है, यदि लागू हो जाएगा तो संविधान भारत में चिराग उठा करके आप गरीबी ढूंढेंगे, भारत में गरीबी नहीं पाएंगे, वो किसी जात धर्म संप्रदाय के हो सबको बराबर का अधिकार है। अगर आपके धरना प्रदर्शन को ये सरकार आज नहीं मानेगी, कदम पूरे देश भर में मैं आंदोलन जारी रखूंगी जब तक भारत का संविधान पूरी तरीके से लागू नहीं होगा। संविधान विरोधियों के खिलाफ जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक पूरे देश का बहुजन आंदोलित होकर के सड़कों पे उतरेगा और संविधान के अपमान करने वालों लोगों को बचाने के लिए जो बचाने का काम कर रहा है उसको सबक सिखाने का काम बहुजन समाज हम सब लोग मिलकर करेंगे। हजरतगंज चौराहे पर स्थित अम्बेडकर प्रतिमा पर सांसद सावित्रीबाई फूले ने अपने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में उनकी मांग थी संविधान की प्रतियां जो दिल्ली में जलाई गई हैं उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग उन्होंने की। कैमरामैन शाहिद के साथ जाहिद अली की रिपोर्ट, प्रेस मैन न्यूज़, लखनऊ।